हालत तब खराब होती है जब अपहिल आता है ऐसे रोड पे। और ये पूरे कच्चे पहाड़ हैं, गिरते रहते हैं थोड़े थोड़े, और बैड लक का तो कुछ कहना ही नहीं। हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित और आप देख रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी का नया व्लॉग। और मैं हूं अभी रामबन में और मैं सोया था अपने स्लीपिंग बैग और मैट्रेस पे, क्योंकि कल मैं काफ़ी लेट पहुंचा था तो मुझे इसी जगह रुकना पड़ा और मैं सोया था एक ढाबे में। हाँ जी, कल मैं सोया था एक ढाबे के मैट्रेस और फ्लोर पे। यार मैं काफ़ी लेट हो गया था, यहाँ कुछ अच्छी चीज़ें नहीं थी तो मुझे यही जगह लेनी पड़ी। और मैं जस्ट अभी उठा हूँ, 6:30 हो रहे और अब मैं यहाँ से निकलता हूँ थोड़ी बहुत देर में ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि आज मुझे थोड़ा लाइक माउंटेन से नीचे ट्रैवल करना है, तो देखते हैं कब तक पहुँचता हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी नींद आई वैसे, एक बात सच है। ये मेरा स्लीपिंग बैग है, ये मेरी मैट्रेस है, वो मेरी साइकिल है और अब हमें थोड़ी देर में निकलना है ब्रेकफास्ट करके। बाकी सब बढ़िया। तो यहाँ सोया था मैं, ये रहा मेरा सामान, वो रही मेरी साइकिल और ये है वो डब्बा, और बाहर है मेन रोड। अब यहाँ से मुझे निकलना है सांबा। माउंटेन्स अगर दिख रहे हैं आपको तो आई एम स्टार्टिंग टुडेज जर्नी इस व्यू के साथ। अभी ऐसे 20 किलोमीटर की और कच्ची पहाड़ियां हैं, उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा थोड़ी सही जगह जहां पे रोड ठीक है। तो ये व्यू है, यही मेरी हालत ख़राब कर देगा क्योंकि धूल मिट्टी उड़ेगी बहुत ज़बरदस्त। कल तो फ्राइडे था इसलिए मैं बच गया था और आज ले लो एग्जांपल ही ले लो आप धूल का, ऐसी होगा आप। सो फार सो गुड, गुड मॉर्निंग एंड लेट्स गो टू सांबा टुडे। आज ये सारे हिल्स ख़राब से सारे पार हो जाएंगे, थोड़े से बचेंगे जो कि जम्मू के होंगे। सो गाइस देख लो रोड की कंडीशन। और कल सच में ना मैं बड़ा खुश हो रहा था कि रोड ख़राब है पर कोई दिक्कत नहीं है। फ्राइडे था, मुझे पता नहीं थी कि फ्राइडे को ट्रैफिक दोनों साइड से बंद होता है, और अब गाड़ियां आ रही हैं, इतनी धूल, ऊपर से ये पूरा कंस्ट्रक्शन वाला रोड है 20-25 किलोमीटर के अराउंड अभी है ये ऐसी, और कल का तो पूरा ही था वो। कोई दिक्कत नहीं है, हालत तब खराब होती है जब अपहिल आता है ऐसे रोड पे। और ये पूरे कच्चे पहाड़ हैं, गिरते रहते हैं थोड़े थोड़े,
और बैड लक का तो कुछ कहना ही नहीं। निकल जाएंगे आराम से मजे में। मुझे नहीं पता गोप्रो कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, क्या ये शेकी में जा रही है या नहीं, क्योंकि गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, बट स्टेबलाइजेशन है इसमें। और कल टायर इतना गंदा हो गया था, बारिश में गीला हो गया था, तो चेन उसकी ना ड्राई हो गई और उसमें मिट्टी अटक गई। ये लो, आप भी मजे लो धूल के। मैं तो बस सुबह सुबह बस एक ही बात बोलता हूँ खुद को और अपने साइकिल को, पंचर या फिर कुछ खराब मत हुई हो, बाकी तो निकल ही जाएंगे गड्ढे रास्ते कैसे भी हो। ओह फाइनली थोड़ा सा सही रास्ता। जब मैं बाइक से आता था तो भी मज़ा आता था ऐसे रोड पे चलाने में, और साइकिल से भी। दिल्ली से सर, दिल्ली से श्रीनगर गया था, अभी जा रहा हूँ कन्याकुमारी। श्रीनगर से कन्याकुमारी? हाँ जी। मतलब आप क्या लोग टूरिस्ट टाइप में घूमते हैं क्या? हम मर्जी से घूम रहे, शौक से। शौक से? इसका कुछ तो बेनिफिट होगा। नहीं मैं यूट्यूब भी चलाता हूँ, ये मेरा चैनल है, ये पीछे। थोड़ा पानी डलवा देते हैं जस्ट बिकॉज धूल ना उड़े बहुत ज़्यादा, बट ये भी ज़्यादा देर के लिए टिकता नहीं है, इतने गाड़ियाँ इतने ट्रक निकलते हैं यहाँ से कि वो 10-15 मिनट में सूख जाता है। ये देखना आप रोड कैसे हैं यहाँ के, और साइड में एक ये रिवर है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्लांट भी बताते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, और एक ये बहुत बड़ी कंप्लेन है जो मैंने लगभग बहुतों के मुंह से सुना है यहाँ पे, कि जब कश्मीर में बिजली बनती है तो कश्मीर में ही क्यों नहीं देते। क्योंकि मैं रहा था 2 दिन कश्मीर के गांव में, इलेक्ट्रिसिटी यार सच में बहुत कम आती है। अब इसका रीज़न मुझे तो पता नहीं क्या है, बट जो भी है आप रोड देख लो। वो तो ये पानी डाल दिया, शुक्र है धूल नहीं उड़ रही अब, पीछे तो हद से ज़्यादा था। और मैं इसीलिए आज 7:30 बजे तक निकल गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद ट्रैफिक बढ़ जाएगा रोड पे, फिर वो प्रॉब्लम होती है। और आज मैं जहाँ भी सोया था ना, मतलब कल रात को, वो जगह कुछ खास तो थी नहीं, एक ढाबे का फ्लोर था, पर मज़ा आया था नींद सोने में, वहाँ मैंने अच्छी नींद मिली मुझे। और
15 किलोमीटर बचा है मेरे ख्याल से ऐसा रोड, तो आपको टनल में मिलते हैं अब सीधा। आज की लोकेशन रामबान से सांबा के लिए, जो कि 110 किलोमीटर है, और देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। और ये है पहाड़ियां, बाकी सब ग्रेट। अब फिर आ गया यार गाइस, एक और लॉस हो गया, एक दिन और मेरा ये जो कैमरा माउंट था जो मैंने यहाँ लगा रखा था ये भी टूट गया, ये देखो। और एक मैंने यहाँ नीचे लगा रखा था वो तो दो तीन दिन पहले टूट गया था, सो ये भी गया। अब कैमरे की रिकॉर्डिंग फ्रंट की पता नहीं कैसे करूँगा। सो फार सो गुड, कोई नहीं। अब मेरे पास एक्स्ट्रा है नहीं यार, प्रॉब्लम ये है। अब देखते हैं क्या करना है। सो रामबान के बाद से अब तक अपहिल चल रहा है और मैं अभी तक बस 11 किलोमीटर कर पाया हूँ, लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है या 2 घंटे होने वाले हैं। और ये मंदिर मिला है, थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ यार। और यार मेरी पानी की बोतल कहीं रास्ते में गिर गई, मुझे पता भी नहीं चला, एक दिन पहले गिर गई थी और एक दिन आज। सो ये है माता का मंदिर, ये काली माँ का। और मैं माउंटेन्स में और ये अपनी साइकिल। ऊपर आ गया ना, थोड़ी अच्छी हवा लग रही, नीचे तो पसीना आ रहे थे, गर्मी लग गई थी। पूरा अपहिल चल रहा है और लगभग अभी भी 12-13 किलोमीटर, मतलब 2 घंटे और अपहिल है, उसके बाद डाउनहिल शुरू हो जाएगा जम्मू के लिए। गाइस मैं रास्ते में, कौन सी जगह पिंडी जी, काली माता, ये काली माता का मंदिर है। और मैं वैसे भी शेरावाली माता और शिव जी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, तो मैं इस रास्ते से निकल रहा था ऐसी थक के, पानी पिया। और पंडित जी भी आज YouTube पे मेरे सब्सक्राइबर है और हमारी फैमिली अभी हमारी वीडियोस देखेंगे। और ये काफ़ी पुराना मंदिर है ना, पुराना मंदिर है, 30-35 साल पुराना मंदिर है काली माता का ये। और ये बिल्कुल पहाड़ी पे है, इसके नीचे बिल्कुल रिवर है। पंडित जी ऐसे कर दो आप। सो मैं कुछ, वो जो पीछे पहाड़ियाँ दिख रही हैं ये वाली, ऐसी 2-3 पहाड़ियों के पीछे से लगभग पैदल आ रहा हूँ, 2 घंटे हो गए, थोड़ी बहुत चलाता हूँ फिर बीच में। और ये कंडीशन है क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा स्टीप है यार और टूटा हुआ है। सो इन पहाड़ियों के पीछे से कहीं से मैंने शुरू किया था और धूप बहुत ज़्यादा है हमेशा की तरह। कितना ब्यूटीफुल व्यू है यार यहाँ से। यहाँ मैं एक जा रहा था लाइक पैदल, लगभग मैं 4 घंटे से मैं पैदल चल रहा था, स्टीप है क्योंकि। तो ये अंकल है यहाँ पे, इन्होंने मुझे रोका, मैं ऐसे मतलब स्वेटिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो यार ये चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है और इसीलिए मैं ट्रैवल करता हूँ ह्यूमैनिटी। ये अंकल ने बोला आ जाओ पानी पी लो, चाय पी लो, मैंने कहा नहीं नहीं मैंने अभी लिया, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती कहा नहीं पी के जाना। आधा कप पियो क्यों नहीं पियोगे यार, कौन सी बात है। नहीं नहीं अब ज़रूर, अब रुका हूँ तो पी के जाऊँगा, कोई बात। तो ये रही अपनी साइकिल वहाँ पे, अगर दिख रही है तो आपको, एक सेकेंड, ये रही। और अभी भी 3 किलोमीटर के आसपास मुझे वॉक करना है क्योंकि अभी भी स्टीप है और टनल आ जाएगी, टनल के बाद फिर मैं आराम से जा सकता हूँ ढलान से। सो फार सो गुड। सो फाइनली एंटरिंग द टनल। गाइज ध्यान से देखो तो स्वेलिंग आ गई हाथ में, आई जस्ट फेल डाउन, पत्थर आ गए थे 2-3 और ऐसा स्लोप था। सो आई हैव हर्टेड माई थाइज और ये ज़्यादा दुख रहा है, स्वेलिंग हो गई।
आई डोंट नो और कहाँ चोट लगी है, बट मेरे इस पैर में दर्द हो रहा है और ये तो सूज गया है, सो बट इट्स ओके। ऐसा वाला रोड है ना, पत्थर पड़ा हुआ था उस पर टायर स्लिप हो गया। सो यस, स्वेलिंग यहाँ पे और लग गई है चोट, एक ये है और एक मेरे यहाँ पे छिल गया है ज़्यादा। सो टुडे इज अ बैड डे फॉर मी। एक बार मैं गिर गया, दो बार मेरे बैग गिर गए, दो बार मुझे नहीं पता हो क्या रहा, फिर ब्रेक ख़राब हो गया और अब मैंने कोई अलग रास्ता लिया था, वो ऑलरेडी स्टीप है। आई डोंट नो, मैं सुबह 7 बजे चल निकला था, 7 या 7:30 बजे और टाइम अभी हो रहा है, एक सेकेंड, टाइम अभी हो रहा है समवेयर अराउंड 4:30 और मुझे अभी भी 2 घंटे लग जाएंगे और अब माउंटेन्स ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं यार। आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अगेन। ओके पीपल, अभी जस्ट पहुँचा हूँ, अभी फ्रेशन अप हुआ हूँ, मुँह धोया है, मैं पहुँच गया हूँ सांबा और मैंने यहाँ पे कोई होटल नहीं लिया है, मैंने एक रेस्टोरेंट के ओनर से रिक्वेस्ट की कि क्या मैं आपके यहाँ रुक सकता हूँ जस्ट फॉर अ नाइट, और उन्होंने बोला ठीक है, वो भैया बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे आपको सुबह मिलवाता हूँ और फ्रैंक बहुत ज़्यादा है क्योंकि बिहाइंड द कैमरा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ला नहीं सकता कैमरे पे। सो आफ्टर अ बैड डे मैं 2 बार गिरा आज, 3 बार मेरा बैग गिरा, पता नहीं क्या हो गया, उसकी लास्टिक टूट गई, मेरा ब्रेक ख़राब हो गया। सो आफ्टर अ लॉन्ग बैड डे मैंने आज 105 किलोमीटर करी है, रामबान से सीधा सांबा आया हूँ, सो मेरी रात आज अच्छी होने वाली है। एंड मैं, अगर आपको पीछे दिख रहा है, मैं यहाँ कहीं रहने वाला हूँ, सो आई हैव माई स्लीपिंग बैग, आई हैव माई मैट्रेस और रिक्वेस्ट करी, भैया ने बोला चलो ठीक है। सो ये है यहाँ का व्यू, एकदम हाईवे पे है और ये व्यू है। कल मैं निकलूँगा यहाँ से पठानकोट होते हुए अमृतसर या मे बी गुरदासपुर। सो स्टे कनेक्टेड पीपल, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट, गुड बाय।